गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय नितिन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया होगी। और आपकी प्रिपरेशन IBPS, RRB, PO हो या RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, सबके लिए बढ़िया चल रही होगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल कंप्यूटर सब्जेक्ट, कोई अगर हिंदी ले रहा है तो उसको हिंदी पढ़ना पड़ रहा होगा। अदरवाइज आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होगी। मैंने भी मॉक टेस्ट लगाई थी, मैं आपको उसका स्कोर कार्ड जरूर शेयर करूंगा RRB PO का। कहीं ना कहीं बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई RRB क्लर्क का रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से हमने RRB PO का रिजल्ट देखा, बहुत ही जल्दी आउट हो गया और हमको बहुत टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं RRB क्लर्क का मेरे ख्याल से एग्जाम 3 अक्टूबर को है, तो आज 28 तारीख हो चुकी है। आज से लेके अगले 7 दिन, अगला 1 हफ्ता कभी भी हम RRB क्लर्क का रिजल्ट देख सकते हैं। मेन चीज ये नहीं है कि हमारा रिजल्ट कब आउट होगा, रिजल्ट तो आपका आउट होना ही होना है। मेन चीज ये है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है, क्योंकि यदि प्रिपरेशन आपकी बढ़िया नहीं है तो रिजल्ट आउट होने से भी कोई फायदा नहीं है। आप प्री निकाल लोगे, मेंस पर अटक जाओगे। तो दोनों की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पूछे कि भाई मॉक टेस्ट इसके लिए कौन सी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि RRB क्लर्क कभी भी एक हाई लेवल एग्जाम नहीं है। अगर हाई लेवल एग्जाम होती तो शायद उसका कट ऑफ 200 में से 85, 88 जैसे SBI का जाया करता है, उस तरीके का होता है। मगर यहाँ पे कट ऑफ 200 में से 140, 144, 130, 128, 127 ये रहता है। तो कहीं ना कहीं लेवल इस एग्जाम का बहुत इजी रहता है और एक इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। कंप्यूटर से लास्ट ईयर थोड़ा सा मॉडरेट बनाया गया था, अदरवाइज कंप्यूटर भी यहाँ पे ऐसा पूछता कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन से है। MS ऑफिस में बहुत बेसिक बेसिक शॉर्टकट कीज पूछ लेता है, तो कंप्यूटर भी काफी इजी होता है। मुझसे कोई पूछेगा इस एग्जाम पर्टिकुलर, इस RRB क्लरिकल लेवल के एग्जाम के लिए कौन सी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक की मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि टेस्ट बुक का जो लेवल है ऑलमोस्ट एक क्लरिकल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी है। और कहीं ना कहीं इस तरीके का लेवल हम अक्सर एग्जाम में देखा करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो ये मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। अब आपकी इच्छा, आप सोचोगे कि नहीं हाई लेवल लगा के जाते हैं, एक लोगों का मिथ है कि हाई लेवल लगा के जाएंगे तो हम लो तो कहीं लेंगे, बट आप भी जानते हो एक हाई लेवल और लो लेवल में कहीं ना कहीं जब स्कोर कम आता है तो हमारे दिमाग में साइकिल प्रेशर बैठता है, जिससे हम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ये है कि यदि एग्जाम हाई लेवल वाली है तो उसके लिए हाई लेवल लगाओ, यदि एग्जाम पता है लो लेवल है तो काय को हाई लेवल लगाना। और टेस्ट बुक मेरे को बढ़िया लगता है एक क्लरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई सोच रहा होगा कि मेरे को कोई मॉक टेस्ट परचेस करनी है RRB क्लर्क के लिए, तो आप टेस्ट बुक यूज कर सकते हो, टेस्ट बुक का पास यूज कर सकते हो। यदि मेरा कूपन कोड लगाओगे नितिन तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस में। उसके अलावा करंट अफेयर्स पर फोकस करिए, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर इस पर फोकस करो, क्योंकि ये सेक्शन जो होते हैं ना, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, यदि आता है तो पूरा मार्क्स स्कोर करोगे, नहीं आता तो छोड़ना ही पड़ेगा, तुक्के मार के मार्क्स नेगेटिव में जाएगा और कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा अफेयर्स क्लाउड जाओ, बेस्ट है। और यदि आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर के लिए आप साहिल चराया सर को फॉलो कर सकते हो। बाकी अपने अफेयर्स क्लाउड की जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां पे जाके आप जरूर उसके एनुअल प्लान को सब्सक्राइब करना और टेस्ट बुक का पास लेने आना, क्योंकि मैं बोलूंगा उसको लो, क्योंकि वो ईजी है, सस्ता है, 300 रुपये का पास है मेरे ख्याल से, काफी ईजी है। यदि मेरा कूपन कोड ऐड कर दोगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एक क्लरिकल वाइज काफी बढ़िया है, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी लास्ट में बोलूंगा मॉक टेस्ट लगाते रहो, मैं आज शाम को अपने मॉक स्कोर कार्ड का वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।